आज हमें ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को देखना है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, आपको पता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पर्यावरण के तीन घटक मिलते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, और इन सब से मिलकर क्या बनता है हमारा, जीव मंडल। अब बात करें भूमंडल की, तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम कहते हैं भूमंडल, यानी कि ये जो पृथ्वी है इसका सबसे ऊपरी परत जो होते हैं वो चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं जो पोषक तत्व भी होता है हमारे जीवन के लिए। बात करें पृथ्वी की सतह की, तो यह दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है, महाद्वीप, और दूसरा है महासागरीय बेसिन। आप इस मैप में देखिए ये कौन सा है, महाद्वीप है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आप देखेंगे सभी या तो कुछ जुड़े हुए हैं या सभी अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये सिर्फ पनामा से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बाकी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और अलग हैं। लेकिन आप अगर समुद्र को देखेंगे तो ये आप देखिए सभी जो समुद्र है यानी कि महासागर है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका जो लेवल होता है सी लेवल वो सभी जगह एक समान होता है। और इसी के आधार पर हम जो हाइट को नापते हैं, जैसे आप ट्रेनों पर लिखे देखते होंगे इसकी हाइट इतनी है, उसी प्रकार से आप माउंट एवरेस्ट को देखिए इसकी हाइट सी लेवल से इतनी मापी गई है। लेकिन ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक गहराई है, इसे कहते हैं हम ट्रेंच, यानी कि एक गर्त होता है। दरअसल ये जो गर्त है कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त। मेरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इसकी जो गहराई है 11,035, कहीं कहीं 22 है, यहाँ पे जो NCERT उसे आप मानिएगा 11,022 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है अगर हम सी लेवल से मापे तो यहाँ से मापे तो 8,848 मीटर होती है, लेकिन अगर हम इसे मारियाना जो गर्त है यहाँ पर अगर डाल दिया जाए तो यह जो है समुद्र से ऊपर भी नहीं उठ पाएगा ये माउंट एवरेस्ट। ये जो है NCERT में आपको 8,848 मीटर इसका हाइट दिया हुआ, आप इससे ही मानिएगा, क्योंकि अभी जो है नेपाल और चाइना के द्वारा इसकी हाइट में कुछ वृद्धि की गई है। जैसे कि 1954 में भारत और नेपाल ने जब सर्वे किया था तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो कितनी, 8,848, लेकिन अभी नेपाल और चाइना दोनों ने मिलकर इस वर्ष के जनवरी में इसकी हाइट दी है और उसका जो हाइट रखा है 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। तो आप इसे याद रखिएगा, लेकिन आपको NCERT फैक्ट ये है तो आप इसे ही क्वेश्चन बनाइएगा। बात करें कितने महाद्वीप हैं, यहाँ पे टोटल 7 महाद्वीप है। कौन कौन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एक फैक्ट है माउंट एवरेस्ट से संबंधित, उसे आप जान लीजिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तानजिंग नॉर्गे, हालांकि इनके कई बार नेपाल के भी बोले जाते हैं लेकिन हालांकि ये भारतीय थे, तो इन दोनों ने पहली बार 29 मई 1953 को पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा शिखर है यानी कि माउंट एवरेस्ट उस पर चढ़ाई की थी। बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में सबसे पहले जापान की जुंको तवे थी और भारत की पहली है वछेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। जो महाद्वीप है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है जो विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। विस्तृत जल राशि आप देख सकते हैं ये जो है महासागर है ना, सभी से एक दूसरे से ये अलग है लेकिन महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं पहले एशिया की, तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 अकेले है, यानी कि जो पूरा पृथ्वी उसका है 1/3 अकेले कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप है। ये जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर पश्चिम में यूराल पर्वत से यह अलग होता है, किससे, यूरोप से, तो यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है हमारा यूराल पर्वत। ये यह जो महाद्वीप है वह पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब ये पूर्वी गोलार्ध कैसे, आपको पता है ना कैसे है, आप इस मैप को फिर से देखिए, ये देखिए ये हमने पढ़ा था ना जब देशांतर वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, यह है 0 डिग्री, ये क्या है, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, ये वाली रेखा, और यहाँ भी 0 डिग्री है, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। तो ये देखिए ये विषुवत रेखा, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा के अलावा और कौन सी है, अक्षांश रेखा, और इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, है ना। तो ये जो 0 डिग्री है
यानी कि प्राइम मेरिडियन है जहाँ से हम समय को मापते हैं, तो इसके पूर्व में जो भी देश है इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जो भी है उसे हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। जबकि इस के अनुसार यानी कि अक्षांश के अनुसार ये जो एरिया इंडिया वाला यह कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो आप समझ गए पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कैसे है। तो आप भारत को अगर बोलेंगे तो ये कौन से गोलार्ध में है, यह उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। पश्चिमी ये टाइम के अनुसार यानी कि देशांतर के अनुसार, और अक्षांश के अनुसार यह उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि ये अलग होता है यूराल पर्वत से। और एक और है एशिया और यूरोप जो है उसके संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। क्यों? क्योंकि जो रशिया वाला भाग है एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं, तो इसीलिए इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है ना, यहाँ से होकर गुजरती है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो ये रहा कर्क रेखा, और इसके नीचे यहाँ से ये मालदीव से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, भारत से होकर के नहीं गुजरती है बल्कि मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है 0 डिग्री। और यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो इस प्रकार से इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है इससे हो गया उत्तरी गोलार्ध। आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ यूराल माउंटेन, ये इस प्रकार से भारत को अलग करता है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर है। अभी तो पैलेस्टाइन वगैरह यहाँ पर चर्चा में काफ़ी है ना एशिया, तो पैलेस्टाइन कहाँ पे हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप, यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यानी कि यहाँ से कर्क, विषुवत और ये मकर रेखा, यानी कि पृथ्वी के जो तीन प्रमुख रेखाएँ हैं वो तीनों यहाँ से होकर गुजरती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है कौन सा, सहारा मरुस्थल, ये वाला है, ये यहीं पे नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये जो है सारा सहारा मरुस्थल है, और यहाँ पे कौन सा अभी चर्चा में था बतलाइए, नहर स्वेज नहर यहीं से होकर गुजरती है ना। यह चारों तरफ से सागरों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। कैसे, इसके ऊपर कौन सी सागर है, यहाँ पर है भूमध्य सागर, इस तरफ हिंद महासागर, और इस तरफ कौन सा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो आप समझ सकते हैं ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये जो रेखाएं गुजर रही है, और यहाँ पर ये साउथ अटलांटिक ओशियन, इसके अलावा हिंद महासागर, और ये है मेडिटेरियन सी जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ये जो रेखा है यहाँ पर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, यह जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर जो है इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो काटा गया नहर इससे ही यहाँ पर एंट्री किया जाता है भूमध्य सागर में। और यहाँ के द्वारा यहाँ पर भी एक नहर जो है स्वेज नहर, यानी कि जब लंदन वाले थे तो उनको पहले आने में इंडिया, मान लीजिए ये इंडिया यहाँ पर है, तो यहाँ से आने में इस प्रकार से पूरे चक्कर लगाने पड़ते थे ऐसे इस प्रकार से। लेकिन ये रास्ते यानी कि ये जिब्राल्टर और ये स्वेज नहर के बन जाने के कारण ये डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार से एंट्री कर जाते हैं इंडिया में। तो सोचिए ये दूरी और ये दूरी में कितना अंतर हो गया है। तो ये जो नहर बंद हो गया था तो इसीलिए यहाँ पे इतना काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी व्यापार करने में इजिप्ट को और अन्य देशों को। नेक्स्ट है यानी कि तीसरा उत्तर अमेरिका, यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे क्या कहा जाता है, पनामा। यहाँ पे देखिए ये जो है दक्षिण अमेरिका और यह है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है पनामा। उसी प्रकार जैसे कि आपको बताया अभी अफ्रीका वाले मैप में, उसी तरह से इसे भी आप देखिए कि मान लीजिए ये कनाडा है, यहाँ से अगर यहाँ पर सामान भेजने हो तो ये पूरी तरह से इस पूरे महाद्वीप को पहले चक्कर लगा करके आता था। काफ़ी बड़ा महाद्वीप है ये, लेकिन ये पनामा नहर बन जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ भी दूरी कम हो गई है सिर्फ पनामा नहर बन जाने के कारण। तो ये जो पनामा है इसी से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। कैसे, यह देखिए 0 डिग्री से है ना, 0 डिग्री के यह पश्चिम में है और ऊपर से ये विषुवत रेखा के ऊपर में है ना। तो ये कहाँ पर हुआ, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, लेकिन हमारा जो भारत है वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक
और नीचे साउथ पैसिफिक या फिर यहाँ पे साउथ अटलांटिक इधर हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक। तो तीन महासागरों से यहाँ से घिरा हुआ है। चौथा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं पनामा, जो कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। इस महाद्वीप का जो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध भी आप बोल सकते हैं, है ना, 0 डिग्री से इस तरफ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये है एंडीज माउंटेन, यानी कि ये जो पर्वत है पूरे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर ये जो तट है, यानी कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन, एंडीज, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी इसी महाद्वीप में बहती है। ये है यहाँ से देखिए इस प्रकार से अमेजन नदी, और इसकी सहायक नदी काफ़ी है, और ये पूरा रेन फॉरेस्ट भी है, यानी कि बहुत बड़े एक प्रकार सा जंगल है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे क्षेत्र जो है यहाँ पर एंडीज ये फैला हुआ है, अंटार्कटिका, चिली, इक्वाडोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया आदि क्षेत्र। अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव में फैला एक महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह दक्षिण ध्रुव यानी कि यहाँ दक्षिण ध्रुव जो है इसके मध्य में, ये देखिए ये हमारा पृथ्वी है, और यह है नॉर्थ पोल 90 डिग्री और ये साउथ पोल 90 डिग्री। तो ये जो साउथ पोल है वो कहाँ पे है, ये रहा साउथ पोल, तो इसके मध्य में आता है ये, इसके ध्रुव में। यहाँ किसी प्रकार की जो है मानवीय आवास नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मानव आवास नहीं है, लेकिन कई यहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत का जो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो मिशन है यहाँ पर भेजा गया था। अभी हाल ही में एक और चर्चा में आया था A76 करंट अफेयर है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी कि बर्फ का टुकड़ा है जो कि यहाँ पर वेडल सी में है, यहाँ से यह टूटा है और यहाँ पर वो यहाँ पर एक प्रकार से बहरा, और इसके पिघल जाने के कारण क्या होगा, जलस्तर में भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप, यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है और किस पर्वत से अलग होती है, यूराल पर्वत से। आर्कटिक सर्कल जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है, ये देखिए कौन सा है, ये है आर्कटिक सर्कल। आपको बताना कमेंट में, आर्कटिक काउंसिल जो है इसको हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था आर्कटिक काउंसिल के बारे में, तो आर्कटिक परिषद में कुल कितने देश हैं बतलाइएगा इसे कमेंट में। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है उसके बारे में आपको बतलाना है, इससे संबंधित एक परिषद बनाया गया उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं यूरोप, अभी जो हमने देश के बारे में पढ़ा यह काफ़ी छोटी जानकारी थी अभी, यानी कि ये काफ़ी इनिशियल है, तो इसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 का है, और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, क्लास बढ़ते जाएंगे, उसमें आपको इससे भी अच्छे जानकारी और अधिक जानकारी मिलती चली जाएगी। तो आप इसी शुरुआत में थोड़ी थोड़ी आप बेसिक के रूप में इसे जानते जाइए। सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यह भी दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, और दूसरा कौन है दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया है और अन्य देश पूरी तरह से ये महासागरों में बसे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड है जैसे कि सोलोमन, पापा न्यूगिनी, ये जो है ये छोटे, इन सब से मिलकर बनता है कौन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है जलमंडल, हमने भूमंडल को पढ़ा, अब पढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहता है, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पर क्या है, जल फैला हुआ। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको ये जो ग्रह है वह नीला दिखाई देगा। जलमंडल में जो है सभी रूप यानी कि जल के जो सभी रूप है उसको शामिल किया जाता है, इसे फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, जो जलमंडल है उसमें जल के सभी रूपों को शामिल किया जाता है, जैसे कि महासागर के जल, नदी, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, यहाँ तक कि वायुमंडल की जो जल वाष्प है उसे भी हम जलमंडल में शामिल करते हैं। जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97% जल है वह कहाँ, महासागरों में है, और जो 3% बचते हैं उनमें भी अधिकांश जो है भूमिगत जल के रूप में है, और हमारे पास 0.2% जल जो है पीने योग्य, यानी कि खुले स्थल पर हम इतने का ही यूज करते हैं, बाकी जो है भूमिगत जल के रूप में यहाँ अवस्थित है। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है और ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने मैप में देखा महासागरीय जल जो होता है वह हमेशा गतिशील रहता है, और इस गतिशील रहने का 3 प्रमुख कारण है,
कि तीन प्रमुख गतियां हैं, जैसे पृथ्वी गतियां होती है ना, उसी प्रकार से महासागरों की भी कुछ गतियां होती है। पहले बताइए पृथ्वी कौन कौन सी गतियां हैं। एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण, है ना। उसी प्रकार से महासागरों की भी अपनी गतियां हैं। इसमें पहला है तरंग, दूसरा है ज्वारभाटा और तीसरा है महासागरीय धाराएं। इन तीनों को हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे जानिए। तरंग, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराओं के कारण ये जो है महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। अगर आप बात करें कि बड़े से छोटे के आधार पर कौन कौन से महासागर आते हैं, तो सबसे पहले स्थान पर आएगा कौन सा, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हमारा हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर यानी कि अंटार्कटिका का क्षेत्र वाला, आर्कटिक महासागर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। तो ये पांचों है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण और आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। बात करते हैं पहले प्रशांत महासागर की। यह सबसे बड़ा महासागर जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई है। अभी हमने पढ़ा कि एशिया जो है ये महाद्वीप, यह भी पृथ्वी के एक तिहाई क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, यानी कि जितना बड़ा एशिया है उतना बड़ा ही ये प्रशांत महासागर है। और यहीं पे कौन सा गर्त है, मेरियाना गर्त, आपने पढ़ा ना, मेरियाना गर्त यहीं पे है, इसी में अवस्थित है। इसका जो आकार है यानी कि ये जो प्रशांत महासागर, इसका आकार वृत्ताकार है, इस प्रकार से गोल है आप देख सकते हैं। और ये कई महाद्वीपों से होकर गुजर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि चार महाद्वीपों के बीच में बसा है कौन, प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर, यह भी चार महाद्वीपों में बसा है, आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। इसका जो आकार है वह एस के समान है, आप ये देखिए इस प्रकार से एस बना हुआ है। और प्रशांत कैसा था, वह वृत्ताकार। इसके पश्चिम में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जबकि पूर्व में है यूरोप और अफ्रीका। इसकी तटरेखा जो है सर्वाधिक दंतुरित है, दंतुरित मतलब कटे फटे होते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इसकी जो तटरेखा है काफ़ी कटे फटे, और यही जो कटा फटा यानी कि दंतुरित है यही इसके लिए आदर्श स्थिति बन गई, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण करना काफ़ी आसान हो गया। इसी कारण से आप देखते होंगे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब के बीच में काफ़ी व्यापार होता है, इसलिए इस महाद्वीप को सबसे व्यस्त महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो ये है नॉर्थ, ये सॉरी अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है। तीसरा है हिंद महासागर, इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, यानी कि हमारे देश के नाम पर रखा गया था। और इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, आप ये देखिए त्रिभुजाकार है इस प्रकार से। और इसकी दो प्रमुख खाड़ियां हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, ये जो है खाड़ियां एक है। और इसकी सीमा आप देख सकते हैं कहाँ से, एक तो हमारे इंडिया यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप अगर बोलें तो उसमें सभी शामिल हो जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान और ईरान, ये सब यहाँ पर। और बाकी आप देख सकते हैं पश्चिम में अफ्रीका पूरा शामिल है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ भी ये तीन महाद्वीपों से होकर गुजरता है, कौन कौन, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यह भी तीन महाद्वीप में फैला हुआ है। अंत में है दक्षिण महासागर, ये चौथा है दक्षिणी महासागर, यह जो है पूरे जो अंटार्कटिका है इसे घेरे हुए है, ये देखिए ये अंटार्कटिका है और इसके चारों तरफ फैला हुआ है, यह दक्षिण महासागर। पांचवा और अंत में है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या उत्तर ध्रुव सर्कल के चारों तरफ फैला हुआ, ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव का जो सर्कल है इसके चारों तरफ ये फैला है, कौन, आर्कटिक महासागर। ये जो है प्रशांत महासागर से एक जल संधि से जुड़ा है, कौन सा है, यहाँ पे देखिए बेरिंग जल संधि, इससे यह छिछले जल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो मैप आपने देखा था उसके पश्चिम में यहाँ पर जो मैप है उससे यह जुड़ा हुआ प्रशांत महासागर से एक छिछले जल द्वारा, आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि यूरेशिया कौन, यूरोप और एशिया, इससे यह घिरा हुआ है। बात करते हैं वायुमंडल की, इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी अभी वायुमंडल की। तो पृथ्वी, पहले वायुमंडल जानते हैं, जो पृथ्वी है वो कई सारे गैसों से घिरे हुई है। पृथ्वी के चारों जो
गैस घिरा हुआ है उसी को हम कहते हैं वायुमंडल। और ये जो है वायुमंडल वो 1600 किलोमीटर तक जाता है। इसे 5 परतों में बांटा जाता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो है काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो आप पहला हो गया ट्रोपोस्फेयर और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है, जो कि स्वच्छ एवं शुष्क हवा का 99% है। यानी कि नाइट्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है वो 99% है। देखिए 78 + 21, लेकिन 1% में आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑर्गन आदि जो गैसें हैं वो इनमें पाई जाएंगी। एक और फैक्ट है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के जो घनत्व है उसमें भिन्नता आती है, और यह घनत्व सबसे अधिक होता है समुद्र तल पर। और जैसे जैसे ऊपर जाता है यह घनत्व क्या होता है वो घटता चला जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानी भी होती होंगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता है, इसलिए आपने देखा होगा कि हिमालय या फिर माउंट एवरेस्ट ये जो पर्वत हैं यहाँ पर अधिकांश बर्फबारी होती है, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी अधिक है और ऊपर जाते हुए तापमान में कमी आती है और बर्फ यहाँ पर निर्माण होता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर एक दबाव भी डालता है, और ये जो दबाव है वायुभार वो एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। एक और फैक्ट आप इसे याद रखिएगा, ये जो वायु दाब होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। आपको अगर चक्रवात आगे जो पढ़ाएंगे तो ये जो फैक्ट आपको काफ़ी काम आएगा। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। आपने अभी चक्रवात भी पढ़ा है ना, तो उसमें भी आपको ये फैक्ट याद रखे होंगे, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं और इसी कारण से गतिशील वायु अर्थात पवन का निर्माण होता है। दरअसल होता यह है, मान लीजिए ये एरिया है ए नाम का और यह है बी। मान लीजिए यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ गई, काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ होने के कारण ये क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर। क्योंकि लो प्रेशर इसलिए हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की वायु उठने लगती है, और इसी को भरने के लिए ये यहाँ पर मान लीजिए कोई ठंडे क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर ठंडे क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान और उच्च भार, तो ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा वायु, और इसी को हम पवन कहते हैं। अभी जो चक्रवातों का निर्माण होता है वह इसी कारण से होता है। अभी आपने पढ़ा होगा तौकतेई और यास के बारे में, तो तौकतेई जो है मान लीजिए ये क्षेत्र है, और तौकतेई कहाँ पे आया, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पर निम्न भार, जैसे कि तापमान बढ़ा तो यहाँ पर एक निम्न भार का निर्माण हुआ जिसे भरने के लिए ठंडी हवाएं। दरअसल होता क्या है, यहाँ पर निम्न भार बनने के कारण ये वायु ऊपर उठने लगती है और इसे भरने के लिए जो ठंडी वायु होती है वह यहाँ पर आती है, और यह भी गर्म होने के कारण यह भी उठने लगती है, और जिस कारण से चक्रवातों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर अंडमान सी के पास आया यास चक्रवात वह भी इसी फॉर्मेशन के कारण बना है। जब हम चक्रवात पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको अभी याद रखना है क्या, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।